दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज जेल ब्रेक। जेल ब्रेक क्या होती है दोस्तों। जो एप्पल ने iOS प्लेटफॉर्म पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जब हम उन रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं, जेल ब्रेक करके। जैसे अनकवर आइकन से आपको ही पता है सीडिया इंस्टॉल होता है, ये एक थर्ड पार्टी ऐप है। जब ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है तो आप टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं अपने फोन में, इसी को जेल ब्रेक कहा जाता है। ये जेल ब्रेक की फॉर्म है, सीडिया आ गया, सीलियो हो गया, एक जेब्रा है और चेक रेन से भी सीडिया का इंस्टॉल होता है आइकन। तो ये सारी की सारी जेल ब्रेक की फॉर्म है। जब ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाती है तो ये जेल ब्रेक कहलाता है। इससे क्या होता है, आपके सॉफ्टवेयर पे जो लिमिटेशन लगाई होती हैं वो सारी की सारी ब्रेक हो जाती हैं और आप अपने फोन में टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे ट्वीक इंस्टॉल करके, जिसकी मैं हर वीक पे नई नई वीडियो अपलोड करता हूँ, आप देख सकते हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जेल ब्रेक के कितने टाइप हैं इस पे भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं जाके। सबसे पहले जेल ब्रेक की शुरुआत की 2008 में जे फ्रीमैन शॉरिक ने, जिन्होंने इस सीडिया को डेवलप किया और iOS प्लेटफॉर्म को जेल ब्रेक किया। दोस्तों एक और बात आपको समझनी होगी, ये जरूरी नहीं आईफोन ही iOS प्लेटफॉर्म ही जेल ब्रेक होता है। आपने देखा होगा प्ले स्टेशन भी जेल ब्रेक होता है, उसमें भी जेल ब्रेक होने के बाद टन्स ऑफ गेम्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म है, उसमें रूटिंग होती है, वो भी जेल ब्रेक की फॉर्म है। तो जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की लिमिटेशन को ब्रेक करते हैं तो वह जेल ब्रेक कहलाता है। तो इसी तरह हम कह सकते हैं एप्पल में जो हम उसके सॉफ्टवेयर को ब्रेक करते हैं, सीडिया इंस्टॉल करके, सीलियो इंस्टॉल करके या जेब्रा इंस्टॉल करके, यह जेल ब्रेक कहलाती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपके इसके प्रो बता दूं, इसके बेनिफिट क्या है। सबसे पहले आपको ये चीज मैं बता दूं, मैं यहां पर जेल ब्रेक को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ यहां पर अपनी नॉलेज बता रहा हूं जो आपको समझनी चाहिए। अब इसके बेनिफिट की बात करता हूं। जेल ब्रेक होने के बाद आप टन्स ऑफ आपको ही पता है कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। जैसे एनिमेशन देखिए, पीछे जो एनिमेशन चल रहे हैं वो देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता, और बताने में आऊं तो तकरीबन 5-6 घंटे की लंबी वीडियो बन जाएगी ये। तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं जो मैं हर हफ्ते अपलोड करता हूं। दूसरी बात, मैं चाहूं अपने फोन को 8000 वे में, 8000 तरीके से कस्टमाइज कर सकता हूं। ऐसी कस्टमाइजेशन तो चाहे, हालांकि एंड्रॉयड एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी हो सकती हैं, बट इतनी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते जो आप आईफोन को जेल ब्रेक करने के बाद कर सकते हैं। जैसे अब मैं छोटे से फीचर आपको गिनाता हूँ, स्मॉल एग्जांपल देखिए, कॉल रिकॉर्डिंग आईफोन में बाय डिफॉल्ट नहीं कर सकते, जेल ब्रेक होने के बाद कर सकते हैं। किसी भी ऐप पे लॉक लगाना हो आप लगा सकते हैं जेल ब्रेक होने के बाद। किसी भी ऐप को हाइड करना हो आप हाइड कर सकते हैं जेल ब्रेक होने के बाद। किसी भी थीम्स को अप्लाई करना हो आप जेल ब्रेक करने के बाद वो भी अप्लाई कर सकते हैं। टन्स ऑफ कस्टमाइजेशन है गाइस, टन्स ऑफ। जैसे बैक में देखिए एनिमेशन प्ले हो रहा है, और भी मैंने इतने ट्वीक बताए हैं आपको, ऑलरेडी इतनी वीडियो बना चुका हूं, अब सारी की सारी आप जाके देख सकते हैं जेल ब्रेक के क्या बेनिफिट हैं। और मैं हर हफ्ते इस पे एक वीडियो जरूर लेके आता हूं, आप वो भी जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके इस वीडियो को आगे भी शेयर कर देना जरूर। दोस्तों अब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्या जेल ब्रेक होने के बाद हमारे फोन की वारंटी रहती है या चली जाती है? तो इसका आंसर है हाँ, इसकी वारंटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन अब ध्यान से सुनना मैं लेकिन क्यों कह रहा हूं, अगर आप अपने फोन को जेल ब्रेक स्टेट में एप्पल के सर्विस सेंटर लेके जाते हैं तो वो डिटेक्ट हो जाता है आपका फोन जेल ब्रोकन है, तब आपकी वारंटी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आपका फोन एज इट इज चलता रहे तो एप्पल कभी भी डिटेक्ट नहीं कर पाता कि वो फोन जेल ब्रोकन है या नहीं। अगर आपके फोन में बाई चांस कोई फॉल्ट आ भी जाता है, सॉफ्टवेयर का फॉल्ट है, तो आपको ही पता है जेल ब्रेक रिमूव हो जाती है। रिमूव कैसे होती है, मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई हैं, ऊपर आई बटन पे भी इसका लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं हाउ टू रिमूव सीडिया और जेल ब्रेक, और अपने फोन को आप फैक्ट्री सेटिंग में कैसे लाएं, आप वीडियो देख सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करके भी इसको अपडेट कर सकते हैं, जेल ब्रेक रिमूव हो सकती है, और बिना सॉफ्टवेयर को अपडेट किए बिना भी आप अपनी फोन को जेल ब्रेक रिमूव कर सकते हैं। दूसरी बात, लोगों के माइंड में एक और क्वेश्चन आता है, क्या जेल ब्रेक होने के बाद उनका डाटा सेफ है या नहीं जो फोन में होता है? तो मैं बता दूं बिल्कुल सेफ है। दोस्तों
अगर आपने फोन में जो ट्वीक इंस्टॉल किए हैं, जो ऑथराइज ट्वीक हैं, जो मैं आप वीडियो लेके आता हूं वही इंस्टॉल कीजिएगा। मैं इतने टाइम से फोन जेल ब्रेक कर रहा हूं, मैंने चैनल अपना जरूर लेट बनाया है, बट 2008 में जेल ब्रेक जो लॉन्च हुई थी, मैं 2009 से ही आईफोन चला रहा हूं, मैंने आज तो कोई और फोन नहीं चलाया, और मैंने आईफोन का हर एक मॉडल यूज किया है और हर एक आईफोन की जेल ब्रेक की है। एट प्रेजेंट मेरे पास लेटेस्ट आईफोन 12 प्रो है जिसकी अभी तक जेल ब्रेक कंपेटेबल है। आईफोन 13 और 13 प्रो आ चुके हैं, उनकी अभी जेल ब्रेक नहीं आई, और मैं अपना आईफोन भी तभी चेंज करता हूं जो लेटेस्ट एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उसकी जेल ब्रेक आ जाए, मैं तभी अपना फोन चेंज करता हूं। इसलिए मैं अभी 13 और 13 प्रो को नहीं लेना चाह रहा जब तक उसकी जेल ब्रेक नहीं आएगी। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतने टाइम से आईफोन यूज कर रहा हूं, मेरा तो आज तक कभी डाटा, कईयों के माइंड में मिथ है लीक होता है या नहीं, डाटा करप्ट होता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। इसकी आपको प्रिकॉशन करनी पड़ती है। प्रिकॉशन कैसे, जैसे कि जो ये सोर्स है इनके ऊपर भी मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं, आप अपने फोन में सोर्स कौन कौन से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, ऊपर आई बटन में इसका भी लिंक आ रहा है, आप देख सकते हैं जाके। उसके बाद मेन होते हैं ट्वीक, जो डाउनलोड होते हैं, जो आपके फोन को पीछे ये रन करते हैं सारी चीजें, सब कुछ निर्भर करता है इन पे, ये कौन से सोर्स से डाला है, पायरेटेड ट्वीक तो नहीं या सोर्स कोई पायरेटेड तो नहीं, इसका आपने जरूर ध्यान रखना है। तो आप मेक श्योर जो मैं आपको सोर्स बताता हूं और जो ट्वीक बताता हूं आपने उसी सोर्स से डाउनलोड करने हैं, आपका कभी भी फोन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे तो ये आपको मैं बता दूं, जेल ब्रेक जो आप करते हैं अपने रिस्क पे करते हैं, डेवलपर का भी कहना है डू जेल ब्रेक एट योर ओन रिस्क। जेल ब्रेक होने के बाद अगर आपके फोन में कुछ भी होता है तो डेवलपर की जिम्मेवारी नहीं है। ऐसे ही मेरे भी सेम वर्ब टर्म्स हैं, अगर जेल ब्रेक होने के बाद आपके फोन में कोई भी फॉल्ट आए तो मैं भी जिम्मेवार नहीं हूं उसके लिए, आप अपने रिस्क पे ही जेल ब्रेक कर रहे हैं। तो ये जेल ब्रेक करने से पहले आपको खुद को सोचना चाहिए जेल ब्रेक करनी है या नहीं। तो बहुत लोग हैं दोस्तों जो जेल ब्रेक करते हैं, हालांकि इंडिया में लोगों को भी इतना पता नहीं है जेल ब्रेक क्या होती है। अब्रॉड की बात करूं, यूएसए, सिंगापुर, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी इस पे, बाहर तो ये ऑलमोस्ट हर एक सेकंड पर्सन जेल ब्रेक करता है, अपने आईफोन को कस्टमाइजेशन करता है। तो इंडिया में भी इतना ज्यादा लोगों को पता नहीं है, तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं आप अपने रिस्क पे ही जेल ब्रेक करें, और जो मिथ है डाटा लीक होने का इससे बिल्कुल भी अपने माइंड में ना लाएं। दोस्तों एक और लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, जेल ब्रेक होने के बाद आपका फोन स्लो हो जाता है, बैटरी ड्रेन होने लग जाती है, तो क्या ये सच है? दोस्तों मैं मानता हूं ये, मैं आपके साथ कुछ हद तक सहमत हूं, सच है। वो ऐसा क्यों होता है, कई ऐसे ट्वीक होते हैं जो पायरेटेड ट्वीक्स हैं, आप वो डाल लेते हैं आपके फोन में मालवेयर आ जाता है, वो मालवेयर के कारण जरूर आपका फोन कुछ हद तक स्लो हो जाता है, और कई बार उसके कारण आपके फोन की बैटरी भी ड्रेन होने लग जाती है। तो इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ट्वीक और इंस्टॉल करते हैं जो आप सोर्स डालने हैं, आपने ऑथराइज सोर्स डालने हैं, इसके ऊपर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, जल्दी लेके आऊंगा। और बात करते हैं जेल ब्रेक की, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जेल ब्रेक कैसे करनी है, कैसे होती है। एट प्रेजेंट जो अभी तक जेल ब्रेक कंपेटेबल है, iOS 14.8.1 तक कंपेटेबल है, वैसे तो iOS 15 की भी आ चुकी है, iPhone X तक की कंपेटेबल है, उसके लिए आपके पास मैकबुक का होना जरूरी है। अगर आप विदाउट मैकबुक या विदाउट कंप्यूटर जेल ब्रेक करना चाहते हैं तो वो 14.3 तक कंपेटेबल है, और अभी अनटेथर्ड जेल ब्रेक आई है जो 14.5.1 तक कंपेटेबल है, उसमें भी आईफोन 12 प्रो मैक्स तक ही कंपेटेबल है, आईफोन 13 और 13 प्रो की अभी तक कोई जेल ब्रेक नहीं आएगी। जैसे ही जेल ब्रेक वो आएगी मैं इसके ऊपर अलग से वीडियो बना के जरूर दिखाऊंगा आपको। तो दोस्तों आपको आज इतना तो पता चल गया होगा जेल ब्रेक क्या है। जब आप iOS प्लेटफॉर्म पे लगी हुई रिस्ट्रिक्शन को ब्रेक करते हैं और उसमें थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करते हैं, थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें कस्टमाइजेशन करते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो जेल ब्रेक कहलाती है। ये जरूरी नहीं जेल ब्रेक एप्पल की होती है, आप एंड्रॉयड फ़ोन को भी रूट कर सकते हैं उसको भी जेल ब्रेक कहेंगे, प्ले स्टेशन की भी जेल ब्रेक होती है जब उसमें आप गेम्स इंस्टॉल कर सकते हैं बहुत सारी। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टॉपिक, जेल ब्रेक किसे कहते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, मैंने आपको बता दिए हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप अपने फ़ोन की जेल ब्रेक करना चाहते हैं या नहीं। मैं यहाँ पे पायरेसी को बढ़ावा नहीं दे रहा, ना जेल ब्रेक को सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी नॉलेज आपको बता रहा हूँ जेल ब्रेक करने के बाद क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है।
एट द एंड डिसीजन आपका है गाइज, आप करना चाहते हैं या नहीं। तो आशा करता हूँ आपको आज का मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर देना। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।